डियर स्टूडेंट, इजी मैथ बाय प्रदीप तिवारी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हाफ रेंज साइन सीरीज और हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इन चेंज ऑफ इंटरवल में। चेंज ऑफ इंटरवल में आपका जो इंटरवल होगा वो 0 टू एल होगा, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि 0 टू पाई के कंपेरिजन में 0 टू एल के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में। तो अब देखिए, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का क्या कॉन्सेप्ट है। तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर इंटरवल 0 <x>l एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, और ए नॉट क्या हो जाएगा 2 अपॉन एल 0 टू एल एफ एक्स डी एक्स, ए एन क्या हो जाएगा 2 अपॉन एल 0 टू एल एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। सबसे पहले ध्यान रखिए कि अभी तक जो क्वेश्चन 0 टू 2l और माइनस एल टू प्लस एल, इसमें हमेशा क्या चलता है, 1 अपॉन एल चलता है, ठीक है। लेकिन जब ये हाफ रेंज कोसाइन होगा या हाफ रेंज साइन सीरीज होगा तब उस केस में 2 अपॉन एल चलेगा, ठीक है। कभी कभी हम लोग हाफ रेंज कोसाइन सीरीज को ये भी बोल देते हैं फोरियर कोसाइन सीरीज, एक्सपेंड द फंक्शन बाई कोसाइन सीरीज, ऐसा भी क्वेश्चन में लिख के आ जाता है। अब देखिए, हम लोग सॉल्व करेंगे हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के क्वेश्चन। तो एक्सपेंड एफ एक्स इक्वल टू 2x-1 एज हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इन इंटरवल 0 <x>2। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको चेंज ऑफ इंटरवल के क्वेश्चन में एल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो 0 <x>2, अब यहाँ पे क्योंकि हाफ रेंज का क्वेश्चन है तो इसका कंपेरिजन होगा 0 <x>l से। अब इसमें कंपेयर करने पे आपको एल की वैल्यू क्या मिल रही है, इसमें आपको एल की वैल्यू 2 मिल रही है। अब इसके बाद हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज क्या हो जाएगी, इसमें एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। अब यहाँ पे ए नॉट क्या हो जाएगा, तो ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 अपॉन एल 0 टू एल एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे एल की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, 2, तो 2 अपॉन 2 0 टू 2 और एफ एक्स क्या है आपका 2x-1 डी एक्स। यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट होंगे और इसका इंटीग्रेशन होगा x का इंटीग्रेशन x² / 2-1 का x हो जाएगा, लिमिट आपकी 0 टू 2 है, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। अब 2 पुट अप करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और इधर क्या हो जाएगा, -2। अब आप 0 पुट अप करेंगे तो x की प्लेस पे 0-0, फाइनली a नॉट इक्वल टू आपका आ जाएगा 2। अब हम लोग an फाइंड करेंगे, तो an इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन l 0 टू l एफ एक्स cos n पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। अब हमारा एल की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, 0 टू 2 एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x-1 है, cos n पाई एक्स और एल की वैल्यू 2 डी एक्स, 2x-1 फर्स्ट फंक्शन, cos n पाई एक्स अपॉन 2 सेकेंड फंक्शन। तो अब यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा।
हमारा फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू टू टाइम इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस टू टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू थ्री टाइम इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन अप टू सो ऑन। तो अब यहाँ पे आप देखिए तो आपका 2x माइनस वन फर्स्ट फंक्शन है और cos n पाई x अपॉन टू सेकेंड फंक्शन है, ये 2 और 2 को हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन 2x माइनस वन और cos का इंटीग्रेशन sin n पाई x अपॉन टू अपॉन n पाई अपॉन टू माइनस 2x माइनस वन का डिफरेंशिएशन, तो 2x माइनस वन का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा आपका, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन टू अपॉन एन पाई अपॉन टू आएगा, एन पाई अपॉन टू पहले से है तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन फोर लिमिट 0 टू 2। अब इसके बाद हमें लिमिट पुटअप करनी है, तो हमें पहले एक बार फॉर्मूलों को देख लेना चाहिए। कॉस एन पाई की वैल्यू माइनस वन पावर एन, साइन एन पाई की वैल्यू जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन। तो अब यहाँ टू पुटअप करेंगे साइन वाले में, तो ये टू और ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन एन पाई, और साइन एन पाई की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, जीरो फाइंड की थी। और इसके बाद यहाँ पे भी टू पुटअप करेंगे तो टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस एन पाई और कॉस एन पाई की वैल्यू क्या देखी थी अभी, माइनस वन पावर एन, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस टू माइनस वन पावर एन अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन फोर माइनस। अब यहाँ पे जीरो पुटअप करेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी और कॉस जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस टू अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन फोर ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके रखेंगे तो फोर टू द एट हो जाएगा, तो 8 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस वन पावर एन माइनस ये भी 8 हो जाएगा, 8 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं 8 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस वन पावर एन माइनस वन। तो अब हमने ए नॉट की भी वैल्यू निकाल ली है और ए एन की भी निकाल ली है। अब हम लिखेंगे हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, और हाफ रेंज कोसाइन सीरीज हो जाएगा आपका एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन टू, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके टू एक्स माइनस वन, ए नॉट की वैल्यू देखिए अभी आपने फाइंड आउट की थी क्या आई थी टू आई थी, तो टू अपॉन टू प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट, और ए एन की वैल्यू कितनी थी 8 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस वन पावर एन माइनस वन, और यहाँ पे आपका कॉस एन पाई एक्स अपॉन टू, क्योंकि एल की प्लेस पे क्या है 2 आ जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका हाफ रेंज कोसाइन सीरीज चेंज ऑफ इंटरवल का क्वेश्चन, और इंटरवल क्या है 0 टू L है। यहाँ पे हाफ रेंज साइन सीरीज के क्वेश्चन,
तो क्वेश्चन हमारा है फाइंड दी हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन इंटरवल 0 to 3। तो सबसे पहले हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे 0x L से, और इससे हमें एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिए कि हाफ रेंज साइन सीरीज या हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, कभी कभी इसको हम लोग साइन सीरीज या कोसाइन सीरीज भी बोल देते हैं, तो उसमें हम लोग हमेशा जो है इंटरवल जो होगा आपका 0 to π होगा या फिर 0 to L होगा। तो L की वैल्यू आपको मिल गई 3। अब हाफ रेंज साइन सीरीज का फॉर्मूला, हाफ रेंज साइन सीरीज, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था हाफ रेंज साइन सीरीज इन इंटरवल 0x L। तो इसमें क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 to ∞ बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, वेयर बी एन इक्वल टू 2 upon L 0 to L एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। जैसा नाम से ही लग रहा है कि हाफ रेंज साइन सीरीज, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोसाइन के टर्म्स और कॉन्स्टेंट टर्म्स ये सब नहीं होंगे, केवल जो है हमें इसमें साइन के मल्टीपल ऑफ एंगल्स में सीरीज जो है एक्सपेंड होगी। तो इसको क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 to ∞ बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। अब बी एन की वैल्यू क्या होगी हमारी, 2 upon L। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हाफ रेंज साइन सीरीज या हाफ रेंज कोसाइन सीरीज होगा तो वहाँ पे 1 upon L नहीं होगा, हमेशा 2 upon L होता है। तो 2 upon L 0 to L एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। तो यहाँ पे L कितना था हमारा, 3 था, 2 upon 3 इंटीग्रल 0 to 3 एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर साइन एन पाई एक्स अपॉन 3 डी एक्स। इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, इसको सेकंड ले लेंगे, क्योंकि आइलेट के हिसाब से ये एलजेब्रिक है तो पहला माना जाएगा, और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है ये सेकंड फंक्शन माना जाएगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इस फॉर्मूले से, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वन एफ टू इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस 1 time डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू 2 time इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस 2 time डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू 3 time इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन अप टू सो ऑन। तो बी एन इक्वल टू 2 upon 3, तो फर्स्ट फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट करेंगे साइन का तो माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन 3 अपॉन एन पाई अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका इंटीग्रेशन तो माइनस, और कॉस का क्या होगा, साइन एन पाई एक्स अपॉन 3, और अपॉन में एन पाई अपॉन 3 आ जाएगा, और यहाँ पे पहले से ही एन पाई अपॉन 3 है, तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2, और माइनस साइन, ये साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कॉस एन पाई एक्स अपॉन 3 अपॉन, और अपॉन में एन पाई अपॉन 3 आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, एन क्यूब पाई क्यूब अपॉन 27, और लिमिट हो जाएगी 0 to 3। अब इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं, साइन एन पाई 0, साइन 0 0, कॉस 0 1, कॉस एन पाई माइनस 1 power n। तो बी एन इक्वल टू 2 upon 3, तो पहले हम यहाँ 3 पुटअप करेंगे, तो जब यहाँ 3 पुटअप होगा कॉस में एक्स की प्लेस पे, तो 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस एन पाई होगा, तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा,
एक ये माइनस बाहर कर लीजिए, और एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस एन पाई की वैल्यू माइनस वन पावर एन अपॉन एन पाई अपॉन 3। साइन में पुट अप करेंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, साइन एन पाई इसकी वैल्यू 0, यहाँ कॉस एन पाई क्या होगा माइनस वन पावर एन हो जाएगा, तो प्लस 2 माइनस वन पावर एन अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब अपॉन 27 माइनस 0 पुट अप करेंगे तो x की प्लेस पे 0 लगाने पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी x है तो ये भी मल्टीप्लाई करेगा तो 0 कर देगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो प्लस 2 अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब अपॉन 27। तो bn जो है यहाँ पे हम लिखेंगे 2/3, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, तो ऊपर ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 27 हो जाएगा, तो 27 अपॉन एन पाई माइनस 1 पावर n, और यहाँ पे 27 to 54 अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब माइनस 1 पावर n, और यहाँ पे माइनस लगेगा, और ये 54 अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब ये आ जाएगा आपका। फिर इसके बाद bn 2/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 9 से कैंसिल, 3 9 जा 27 और 2 का मल्टीप्लाई माइनस 18 अपॉन एन पाई माइनस 1 पावर एन, और यहाँ पे 3 into 18 54, तो और 18 2 36, तो 36 अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब माइनस 1 पावर एन, और यहाँ पे भी आपका 36 अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब ये आ जाएगा आपका। अब इसके बाद इसको अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, bn इक्वल टू माइनस 18 अपॉन n पाई माइनस 1 पावर n प्लस 36 अपॉन n क्यूब पाई क्यूब माइनस 1 पावर n माइनस 1 ये आ जाएगा आपका। अब हाफ रेंज साइन सीरीज, तो एफ एक्स इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 to ∞ बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। एफ एक्स क्या हो गया आपका, एक्स स्क्वायर हो गया, समेशन एन इक्वल टू 1 to ∞ बी एन की वैल्यू माइनस 18 माइनस 1 पावर एन अपॉन एन पाई प्लस 36 अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब माइनस 1 पावर एन माइनस 1 साइन एन पाई एक्स, और एल की वैल्यू क्या थी आपकी, तो L की वैल्यू आपकी 3 थी। तो ये हो गया आपका हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर चेंज ऑफ इंटरवल। इसी के साथ हमारा जो है फूरियर सीरीज जो है के टॉपिक सारे फिनिश।